हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। इस ब्लॉग में हम आपको दिखाएंगे चाचा जी का नया घर, जिसका गृह प्रवेश का प्रोग्राम अभी चल रहा है। ये है घर का मेन व्यू। जब आप एंटर होते हैं तो ओपन स्पेस है, फिर इस तरफ है स्टेप्स। आज सुंदर कार्ड हुआ है, कल हवन है, तो आइए आपकी जल्दी से हाउस टूर करवाता हूँ। तो यहाँ से हम एंटर हो रहे हैं इस घर में। तो जैसे आप एंटर होते हो, आपको बहुत ही लिट और ब्राइट हॉल का व्यू मिलता है, और अंदर आइए। बहुत ही अच्छा इसका सेटअप किया है। फ्लोरिंग में आप देखेंगे तो ग्रेनाइट का फ्लोरिंग है, विद सम डिज़ाइनर डोरमैट एंट्रेंस पे। फिर जैसे आप आगे आएंगे, काफ़ी नीट एंड क्लीन फॉल सीलिंग सुपर डिज़ाइन के साथ, और प्रॉपरली लिट है हॉल चारों तरफ से, तो काफ़ी क्लीन है। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, सुबह हवन का प्रोग्राम है, तो पंडित जी सभी तैयारियाँ कर रहे हैं। पूरी पूजन सामग्री यहाँ पे आई हुई है। इस तरफ एक विंडो है जिसका फ्रेम अभी बनना बाकी है, और इधर से अगर आप घूम के मेन डोर का व्यू देखेंगे तो बहुत ही ह्यूज नज़र आ रहा है। यहाँ पे अभी ग्लासेस आएंगे। तो ये था पूरा हॉल का व्यू। अभी हम आगे बढ़ते हैं पूजा रूम की तरफ। तो ये है पूजा रूम, बहुत ही नीट एंड काफ़ी ब्राइट, जैसे पूरा घर ही काफ़ी ब्राइट है वैसे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाइट मार्बल का इस्तेमाल हुआ है। तो पूजा रूम के बाद नेक्स्ट आता है किचन। किचन में सबसे बढ़िया चीज़ है कि ग्रेनाइट के शेल्फ से पूरे, अगर आप इस तरफ आके देखेंगे तो ये ग्रेनाइट के शेल्फ जो है ये कभी ख़राब नहीं होते। जैसे अगर आप फर्नीचर लगाएंगे तो पानी वानी गिर के किचन में हो सकता है कि वो ख़राब हो जाए, लेकिन ग्रेनाइट्स का काम बहुत ही परमानेंट होता है। तो ये पूरे इसके शेल्फ्स, और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत किचन प्लेटफॉर्म। इस पत्थर को गैलेक्सी ब्लैक कहते हैं, अगर आप इसको पास से देखेंगे तो इस पत्थर में गोल्डन डॉट्स हैं, अगर आप पास से देखेंगे, इसलिए इसको गैलेक्सी ब्लैक कहते हैं। काफ़ी अच्छा लुक देता है। और ये जो पट्टी है, इसको फुल मोल्डिंग किया हुआ है, डबल पट्टी लगा के फुल मोल्डिंग किया हुआ है, बीच में बीडिंग की। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन है जो किचन को काफ़ी अच्छा लुक देती है। और ये है वॉल टाइल्स, एंड देन यहाँ पे है सिंक, और नीचे भी पार्टीशंस बने हुए हैं। ये पूरा मॉड्यूलर जब बन जाएगा तो बहुत ही एलिगेंट लुक देने वाला। तो ये छोटा सा वॉश एरिया आप आके देख सकते हैं, और यहाँ से इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए यहाँ पे एक फ्रेम लगा दिया है, ताकि जो भी बर्तन किचन के रहे धोने के लिए, उनको यहाँ रख के क्विकली क्लीन किया जा सकता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ, मास्टर बेडरूम, जो सबसे फेवरेट पार्ट है मेरा इस घर का। ये है मास्टर बेडरूम, जो मेरा फेवरेट एरिया है इस घर का। तो जैसे कि मैंने किचन में बताया, सिमिलरली यहाँ पे भी ग्रेनाइट के शेल्व्स हैं पूरे एंड टू एंड, और यहाँ पे जब वुडन डोर्स आ जाएंगे और इस पर जब डिजाइनिंग हो जाएगी तो बेडरूम बहुत ही अच्छा लुक देने वाला है। स्पेशली ये जो लाइट्स यहाँ पे ड्रॉप हो रही है ऊपर से, नॉन लाइट्स, और ये फॉल सीलिंग का एलिगेंट डिज़ाइन काफ़ी अच्छा और लिट लुक दे रहा है पूरे रूम में। तो इसके बाद आता है एक और रूम आइजन। ये है नंबर टू, बेसिकली 2BHK का ये घर है, और इसमें भी आप देख सकते हैं काफ़ी सिमिलर है जैसे उस रूम का। यहाँ पे एक विंडो है जहाँ से वेंटिलेशन के लिए अच्छी हवा आती है, थोड़ा हाइट पे भी एक घर तो हवा भी आती रहेगी। और ये पूरे शेल्फ्स है यहाँ पर, और यहाँ पे है अटैच। तो गाइस, ये एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, ये जिसको चौकट बोलते हैं, हमारे दरवाजे में जो रखता है, ये वुड का ना बना के ग्रेनाइट का बनाया हुआ है। तो
तो इसके काफ़ी सारे फायदे, एक तो ये टर्माइट से इसको कोई नुकसान नहीं हो सकता है क्योंकि ये नेचुरल सोइल है, टर्माइट से धूप को अटैक करता है, और नंबर टू ये वाटर प्रूफ है, इस पर चाहे कितना ही पानी गिरे कभी खराब नहीं होता। यहाँ से बाहर आने के बाद में इमीडिएटली लेफ्ट में एक कॉमन वॉशरूम है जो हॉल से अटैच है, फिलहाल इसको लॉक हो गया है, बट ये वॉशरूम है और यहाँ पे हल्की सी खाना बाकी है। ये है हाउस टू, और फिर यहाँ से जब आप मिलते हैं तो आप जो मेन कॉरिडोर है उस तरफ आ जाते हैं। ये हमारे काका श्री चाचा जी काफ़ी खुश काफ़ी सालों की मेहनत के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और चाचा जी को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बधाई दें।